Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am your science teacher, Ms. Ramsha, and today we will study unit number 2, transport in plants and human. It is a continued lecture of this chapter. If you remember, a student, in my last video we will talk about the cross section of root, stem and leaf. But today we will learn transpiration and translocation. So what is transpiration? So students, read with me. The loss of water through the leaves of plants is called transpiration. के water का loss होना plant की leaves से, ये process क्या कहलाता है students? Transpiration. जैसे कि हमने अभी cross section of leaf के अंदर पढ़ा कि leaf के अंदर छोटे छोटे spores पाए जाते हैं, ठीक है? तो वो spores क्या कहलाते हैं आपके पास? Stomata कहलाते हैं, और उन्हीं stomata के जरिए जो excess water है plant वो release करते हैं. यानी कि plant अपना जो भी वाटर, जो इस तरीके से ह्यूमन बींग हम जो पानी लेते हैं वो सारा का सारा हम यूटिलाइज तो नहीं कर लेते हैं. जो एक्सेस वाटर होता है वो हम बॉडी से रिलीज आउट करते हैं बिल्कुल एज इट इज़. इसी तरीके से प्लांट्स भी जितना उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो वाटर अपना यूज़ कर लेते हैं. उसके बाद जो एक्सेस वाटर है वो लीव्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं? स्टोमेटा. और स्टोमेटा के जरिए वो एक्सेस वाटर क्या कर लेते हैं? रिलीज कर देते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं. तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है स्टूडेंट? ट्रांसपायरेशन कहलाता है. द स्टोमेटा under the surface of the leaf open to let carbon dioxide and oxygen out. Stomata क्या करते हैं आपके पास? यानी कि leaf के surface पे stomata पाए जाते हैं, वो carbon dioxide को absorb कर लेते हैं और oxygen को बाहर निकाल लेते हैं. When the stomata are open, जब stomata open होते हैं, the water inside the leaf evaporates and escape into the atmosphere. यानी कि ये हम बता रहे हैं opening और closing बता रहे हैं stomata की, कि stomata open कब होते हैं और stomata जो है वो क्लोज कब होते हैं. आपको बताया था स्टूडेंट्स के स्टोमेटा जो है वो टू गार्ड, जैसे किडनी के शेप होते हैं इस तरीके से गार्ड सेल्स भी कंसिस्ट होते हैं बिल्कुल इस तरीके से. ये क्या कहलाते हैं आपके पास? गार्ड सेल्स. और इन्हीं गार्ड सेल्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं आपके पास? स्टोमेटा मौजूद होते हैं. तो ये बता रहे हैं कि स्टोमेटा ओपन कब होते हैं, क्लोज, यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब ये स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ये क्या करते हैं? वाटर को बाहर निकाल लेते हैं, एवोपरेट कर देते हैं. कहाँ पर? एटमोसफेयर के अंदर, इन्वायरमेंट में. द वाटर मूव्स फ्रॉम एन इन्वायरमेंट ऑफ 100% ह्यूमिडिटी टू अ लेस ह्यूमिड इन्वायरमेंट. आपने देखा होगा इन्वायरमेंट के अंदर जो ह्यूमिडिटी पाई जाती है, जो नमी पाई जाती है, वो किस वजह से पाई जाती है? इन प्लांट्स के, जो प्लांट्स अपना एक्सेस वाटर थ्रू रेस्पिरेशन एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं, इन्हीं एक्सेस वाटर की वजह से इन्वायरमेंट के अंदर क्या पाई जाती है? ह्यूमिडिटी. यानी कि आप देख सकते हैं कि 100% ह्यूमिडिटी जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर अगर पाई जाती है, यानी कि इन्वायरमेंट में जो ह्यूमिडिटी मौजूद होती है वो आपके पास जो है वो इन्हीं ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू मौजूद होती है. दिस कंटिन्यूस एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स क्रिएट अ पुल दैट फोर्स वाटर मॉलिक्यूल्स टू मूव अपवर्ड, मूव अप टू टूवर्ड्स द लीव्स. जब आपके पास एवेपोरेशन का प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहता है, मतलब वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू थ्रू लीव्स जो है वो रिलीज होता रहता है, तो आपके पास एक फोर्स डेवलप होती है. ठीक है स्टूडेंट, आपके पास क्या डेवलप होती है? एक फोर्स डेवलप होती है. ठीक है, जब आपके पास देखे कंटिन्यूसली वाटर एवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू निकल, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू निकलता रहेगा तो प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट होगी. तो जिस तरीके से कंटिन्यूसली वाटर को निकलता रहता है, इस तरीके से जो रूट्स हैं वो भी कंटिन्यूसली वाटर क्या करती रहती हैं? एब्जॉर्ब करती रहती हैं थ्रू जाइलम वेसल्स के जरिए. मतलब जाइलम वेसल्स के जरिए कंटिन्यूसली वाटर भी अपवर्ड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है और लीफ के जरिए वाटर भी निकलता रहता है. मतलब कि दोनों प्रोसेस होते रहते हैं, वाटर एक्सेस वाटर भी निकलता रहता है और आपके पास जो जाइलम वेसल्स के जरिए जो वाटर है और मिनरल्स हैं वो भी प्लांट की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं. द फिनोमिनन ऑफ ट्रांसपिरेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लोजली बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट. यानी कि ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को जो है वो एक एक्सपेरिमेंट के जरिए क्या किया गया है. सो एक्सपेरिमेंट क्या है, चलिए पढ़ते हैं. देखा लीवी स्टेम, आप एक लीवी स्टेम को ले लें, मतलब स्टेम के साथ थोड़े लीव्स लगे हुए हों. ग्रीस द स्टेम सो दैट नो वाटर एवोपरेट्स फ्रॉम इट. आप क्या करें कि उस स्टेम को क्या कर दें? ग्रीस कर दें. मतलब आप क्या करें कि उसकी जो स्टेम है आप उसको वाटर के अंदर रख दें. ठीक है, अब क्या होगा? ये कह रहे हैं ग्रीस द स्टेम सो दैट नो वाटर एवोपरेट. जब आप स्टेम को ग्रीस कर देंगे तो वाटर जो है वो कोई भी वाटर एवोपरेट नहीं होगा. इमर्ज द
स्टेम इन अ बीकर फिल्ड विद वाटर। और आप क्या करें? देखिए मतलब ये बताया जा रहा है इसके अंदर कि पहले सबसे पहले आपने स्टेम को क्या किया, हल्का सा उसमें पानी लगा दिया, उसको ग्रीस कर दिया, तो उसके अंदर से कोई वाटर एवोपरेट नहीं हुआ लीव्स के अंदर से। मगर जब आपने उस स्टेम को जिसके अंदर लीव्स भी लगी हुई है, आपने उसको एक बीकर लिया, उसके अंदर वाटर ऐड किया, उस बीकर के अंदर आपने उसको रख दिया, तो लेट्स सी क्या होता है आपके पास। एड अ ड्रॉप ऑफ ऑयल टू द वाटर सो दैट नो वाटर एवोपरेट्स। आपने क्या किया, उसके अंदर कुछ ड्रॉप जो है वो ऑयल के डाल दिए, तो कोई वाटर एवोपरेट्स नहीं हुआ बीकर के अंदर से। कवर इट विद एन इन्वर्टेड जार एंड प्लेस दिस अपरेटस। आपने क्या किया, उसको कवर कर दिया जार को, ठीक है, और कुछ देर के लिए उसको छोड़ दिया इन एन ओपन स्पेस फॉर 1 आवर। आपने उसको खाली जगह में 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद एग्जामाइन द इनर सरफेस ऑफ द इन्वर्टेड जार। आपने क्या किया, जब आपने वो जार रखा था तो आपने उसके नीचे वाला जो जार था तो उसके जार के ऊपर आपने खाली जार रख दिया, ठीक है। अब उसने 1 घंटे के लिए आपने उसको छोड़ दिया। जब आप 1 घंटे के बाद उसको देखेंगे, यू विल नोटिस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द जार। जो ऊपर वाला जार है आपको उस पर क्या नज़र आएंगे, ड्रॉप नज़र आएंगे। ये दिख रहे हैं आपको जिस तरीके से डायग्राम नज़र आ रहे हैं आपको, जो ऊपर वाला जार है उसके अंदर क्या नज़र आएंगे, ड्रॉप्स नज़र आएंगे वाटर के। दिस प्रूव दैट वाटर, ये क्या है, ये वाटर वेपर्स है। ये क्या प्रूफ कर रहे हैं कि लीव्स के अंदर से ट्रांसपिरेशन हुई है, तभी ये आपको वाटर वेपर्स या ड्रॉप जो हैं ये वाटर के ये आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये प्रूफ करता है कि प्लांट्स जो है वो ट्रांसपिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगेन आई रिपीटिंग यू, हमने क्या किया, हमने एक लीव स्टेम लिया, उसको पहले हल्का सा ग्रीस कर दिया। जब हमने इसको ग्रीस किया तो उसके अंदर से कोई वाटर एवोपरेट नहीं हुआ। देन हमने क्या किया, एक बीकर लिया, उसके अंदर वाटर ऐड किया, और आपने क्या किया, उसको स्टेम को उसके नीचे लगा दिया वाटर के, मतलब वाटर के अंदर वो डिप हो रही है उसकी स्टेम। फिर आपने क्या किया, उसके ऊपर एक अगेन जार रख दिया, उसको कवर कर दिया, एक खाली जगह के अंदर आपको उसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। 1 घंटे बाद आपने ऑब्जर्व किया कि जो अपर जार है आपके पास उसमें आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स नज़र आ रहे हैं, फिर वाटर वेपर्स नज़र आ रहे हैं। तो वाटर वेपर्स क्यों नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लीव्स ने क्या फंक्शन परफॉर्म किया है, ट्रांसपिरेशन का फंक्शन परफॉर्म किया है, यानी कि स्टोमेटास के जरिए आपके पास क्या हुई है, ट्रांसपिरेशन हुई। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि प्लांट्स जो है वो ट्रांसपिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड माय लेक्चर। Inshallah, we'll meet you in another video with another topic. Till then, take care and Allah Hafiz.